आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कोशिश करके थक चुके हैं, जिनका भरोसा विश्वास कोशिश सबसे उठ गया है और उन्हें इस बात का पक्का यकीन व विश्वास हो चुका है कि यह मुझसे नहीं होगा। अगर आप हार चुके हैं, कोशिश करके थक चुके हैं, जवानी में ही चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्रियां साफ दिख रही हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। स्किप करके देखो या पूरा देखो, मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। बहुत समय पहले की बात है कि एक ऊँटों का सौदागर अपने ऊँटों को शहर बेचने जा रहा था। पहुँचते पहुँचते एक जंगल में शाम हो गई, उसने अपना डेरा वहीं डाल दिया। जब वो ऊँटों को बांधने लगा तो उसने देखा कि उसके पास चार ही रस्सियाँ हैं और ऊँट पाँच। समस्या ये थी कि पाँचवें ऊँट को बांधे कैसे। अगर उसने नहीं बांधा तो रात में ही ये ऊँट भाग सकता है। बहुत तलाश किया पर उसे कोई रस्सी नहीं मिली। ठीक उसी समय उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने ऊँट वाले से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ऊँट वाले ने कहा, महाराज मेरे पास पाँच ऊँट हैं और रस्सियाँ चार, समझ में नहीं आता कि पाँचवें ऊँट को बांधो कैसे। उन्होंने कहा कि उसे बिना रस्सी के ही बांध दो, बाकी ऊँटों को जैसे बांधा है उसी तरह उस ऊँट को बांधने का नाटक करो। उसने ऊँट के गले के चारों तरफ हाथ घुमाया, पेड़ के पास गया और पेड़ में भी रस्सी घुमाने का नाटक किया, वह ऊँट भी बैठ गया। सुबह महात्मा जी वापस आ रहे थे तो उन्होंने बड़ा एक अजीब नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि ऊँट वाला उस ऊँट को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज ये तो उठ ही नहीं रहा है। अरे उसे खोलो तो सही, तुम्हें पता है हमें पता है कि ऊँट बंधा नहीं है, पर ऊँट को तो पता है कि वो बंधा है। उसने जैसे ही खोलने का नाटक किया, ऊँट उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने ऊँट को नहीं, उसने उसके ब्रेन को बांधा था। एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जो शार्क मछलियों पे शोध कर रहे थे, उन्होंने एक बड़े से टैंक में बड़ी शार्क मछली को छोड़ा, साथ ही साथ उन्होंने छोटी छोटी मछलियों को भी टैंक में डाल दिया। कुछ देर बाद ही शार्क मछली उन छोटी छोटी मछलियों को खा गई। जब भी वह जीव वैज्ञानिक छोटी मछलियों को टैंक में डालते, शार्क मछली उन्हें खा जाती। कुछ समय बाद उस जीव वैज्ञानिक ने उस टैंक के बीच में एक शीशे का पारदर्शी ग्लास लगा दिया। अब शार्क मछली उन्हें देख तो सकती थी पर खा नहीं सकती थी। उस शार्क मछली ने जब भी छोटी मछलियों की तरफ पहुंचने की कोशिश करती, बार बार टकराकर वापस आ जाती। कुछ समय बाद उस वैज्ञानिक ने उस ग्लास को हटा दिया। अब ग्लास हटाने के बाद भी वह शार्क मछली उस तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस वैज्ञानिक ने शार्क मछली के ब्रेन को बांध दिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ब्रेन को किसने बांधा है? क्या उस ऊँट वाले ने या उस जीव वैज्ञानिक ने? नहीं मेरे दोस्त, आपने खुद ही अपने ब्रेन को बांध रखा है, सीमाओं में कैद कर रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चंद छोटी मोटी असफलताओं से कोशिश करना छोड़ देंगे? ब्रेन आपका और जंजीर भी आपकी। चाहो तो ब्रेन को जंजीर से बंदी बना लो, या चाहो तो बंधी हुई ब्रेन की जंजीर को अपनी कोशिश की तलवार से काट दो और हासिल कर लो आजादी, जिसे हम सफलता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया है और हार चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।